छोटी काशी मंडी में देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में पूर्व प्रधानमंत्री को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव चेतराम ठाकुर ने स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा देश के लिए किए गए बलिदानों को याद किया और उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी का देश के लिए बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से स्वर्गीय राजीव गांधी के बताए गए पद चिन्हों पर चलने की अपील की। वहीं उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कोरोना महामारी के कारण देश व प्रदेश में आए संकट की इस घड़ी में समाज के असहाय व निर्धन लोगों की सहायता करने की अपील भी की। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती समारोह पर आज हम इस महामारी कोविड-19 के मद्देनजर नियमों के तहत आज सूक्ष्म आयोजन जिला मंडी कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किया गया और राजीव गांधी जी के बारे में पूरा देश विश्व जानता है। इनका जन्मदिन 20 अगस्त 1944 को हुआ और ये सबसे नौजवान प्रधानमंत्री भारतवर्ष के हुए और इनके कार्यकाल में हिंदुस्तान में बहुत 3-4 कदम ऐसे लिए गए जो एक आज भी ऐतिहासिक साबित हुए, जिसमें प्रमुख तौर पर कंप्यूटराइजेशन और कम्युनिकेशन का डिजिटल रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में किया गया। 33% महिलाओं का जो आरक्षण है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वो इनके कार्यकाल में हुआ और 73वां संविधान का जो संशोधन किया वो भी इनके कार्यकाल में हुआ और जो मतदाताओं का 21 साल से 18 साल का किया गया वो इनके मार्गदर्शन में किया गया। जोहार नवोदय विद्यालयों की शुरुआत भी इन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुई। इस प्रकार से इनको 1991 में भारत रत्न का जो अवार्ड है वो दिया गया। तो ये बहुत बड़ी योगदान इनका हिंदुस्तान के लिए है और हमारे साथ पंचायती राज जिला के प्रधान संतोष जी, आकाश शर्मा जी और अलका हंजा जी और कौंडल जी और बहुत से पदाधिकारी जिला लेवल के राज्य स्तर के हमारे साथ आज ये श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी को दी।